रॉक गार्डन से निकल गए हैं हम, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है आप देख सकते हैं कैमरे में, और ये सीधा बिल्कुल असल होम स्टे से होते हुए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है हम दार्जिलिंग में, तो स्टार्ट करते हैं आज का डे। फोन करके पहले मंगाते हैं चाय। 8 नंबर पे है ना? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे होटल से दार्जिलिंग का व्यू, दिखाता हूँ आपको। इस साइड धूप आई है थोड़ी बहुत, और इधर धूप है ही नहीं बिल्कुल ज़रा सा भी। सामने उधर घरों के पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर पेड़ पौधे। दार्जिलिंग में पूरा शहर ही बसा हुआ है पहाड़ों पर, काफ़ी बढ़िया। अभी चलते हैं थोड़ी देर पर, एक्सप्लोर करते हैं कुछ जगह यहाँ पर, चलते हैं गाइस। वाह, तो फ्रेंड्स सुबह का बज गया है 10, और हम आ गए इधर बाहर टैक्सी के लिए खड़े हैं। टैक्सी बुक है हमारी, जो कि यहाँ दार्जिलिंग का 8 पॉइंट घुमाएगा पूरा, रॉक गार्डन के साथ है उसमें इंक्लूड। तो आते हैं, काफ़ी कंजस्टेड रोड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है सुबह का 10, और हम निकल गए इधर आज राकेश भाई के साथ। रॉक गार्डन जा रहे हैं, रॉक गार्डन अभी चल रहे हैं। पहला हमारा व्यू पॉइंट रॉक गार्डन ही है, रॉक गार्डन के बाद फिर और सारे व्यू पॉइंट्स घूमेंगे। फर्स्ट रॉक गार्डन ही है हमारा, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं क्या सीन है। तो चलते हैं गाइस, आज आप लोग को दार्जिलिंग एक्सप्लोर कराते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम आ गए अपने पहले व्यू पॉइंट पे, रॉक गार्डन पे, और चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। तो कैसा लग रहा है? कैसे अच्छा लग रहा है? आज तो व्रत है तुम्हारा, आज तो व्रत है तुम्हारा नवरात्रि वाला। तो मैं तो अभी मैगी खाऊंगा तुम्हारे सामने, मोमोज खाऊंगा वेज क्या। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और ऊपर अभी हमको उतना ऊपर जाना है वाटरफॉल, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलते हैं गाइस और ऊपर चलते हैं पहले। ये पहुँच गए हम अभी उतना ऊपर, और जाना है हमें, वहाँ जाना है अभी उस वाले पुल पे। तो चलते हैं गाइस, रास्ता यहाँ से पास से वाटरफॉल कितना सही दिख रहा है, और कचरा भी दिख रहा है यहाँ पे, कचरा फैला देते हैं लोग। चलो, और हम इतनी ऊपर आ चुके हैं गाइस, आप देख रहे हैं वो राउंड वाला, वहाँ से हम चले थे, वो नीचे कार खड़ी रेड कलर की, वहाँ से हम चले थे। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं पूरा टॉप पे, और यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो शूट चल रहा है। तो फ्रेंड्स बादल आ रहा है, हाँ बारिश हो सकती है। तो इधर हम काफ़ी हाइटेड पे रॉक गार्डन में, अभी आगे भी चलना है। अभी मेरे ख्याल से 7 व्यू पॉइंट और है, 7 व्यू पॉइंट। रॉक गार्डन फर्स्ट था हमारा, उसके बाद का फिर नेक्स्ट 7 और है। तो चलते हैं, चलो, क्योंकि बारिश होगी तो फिर रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, और देख रहे हो ना पूरी खड़ी चढ़ाई है, मज़ेदार बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये रॉक गार्डन के पास वाला है लोकल मार्केट, और यहाँ पे हम खड़े अपनी गाड़ी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। तो आ रहा है टैक्सी राकेश लेके, तो चलते हैं अब ऊपर, अब दूसरे व्यू पॉइंट पे चलना है। तो फ्रेंड्स वी आर एट टी गार्डन, ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक, वहाँ तक देख रहे हो जहाँ पे बाउंड्री है, जहाँ तक बाउंड्री है वहाँ तक, वो लाइनिंग वो पाइप वाली वहाँ तक है पूरा, और उसके नीचे तक पूरा दूर दूर तक है। ये है यहाँ टी गार्डन, यहाँ का व्यू पॉइंट बना दिया है पूरे दार्जिलिंग में, टी गार्डन ही है। हाँ व्यू पॉइंट कुछ जगह बना रखा है, क्योंकि टूरिस्ट को
से पैसे भी तो लेने, उसी हिसाब से व्यू भी तो दिखाना होगा। फ्रेंड्स रॉक गार्डन से निकल गए हैं हम और काफ़ी कड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं कैमरे में। और ये सीधा बिल्कुल असल होम स्टे से होते हुए यू टर्न, बढ़िया है यहाँ पे, अच्छा खासा, काफ़ी एडवेंचरस यहाँ पे। तो व्यू पॉइंट से ज़्यादा एडवेंचरस तो रास्ते हैं। ट्रेन चालू है और यहाँ से डीजल वाला है, अच्छा ये डीजल वाला है और वो कोयले वाला था, कोयले वाला बढ़िया। फ्रेंड्स हम फिर से आ रहे हैं टाउन में यहाँ से दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ जाने के लिए, मतलब रॉक गार्डन का अलग से रास्ता ही है, वो अलग रास्ता वो अलग है, यहाँ से हम लोग जाएंगे जू। हाँ हम लोग निकलेंगे जू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने रूट देखा, रूट ऐसा ही है मैक्सिमम, तो दार्जिलिंग से रॉक गार्डन का अलग रूट है, बाकी जो और सारे व्यू पॉइंट्स हैं उनका अलग है। तो पहले रॉक गार्डन होके फिर सारे के सारे व्यू पॉइंट्स हम घूमेंगे, तो काफ़ी सही है, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या होता है। अभी तो हम जू जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से ट्रेन बन के चलती है छोटी वाली, और इधर है स्टेशन जो कि कल नाइट में आप लोग को दिखाया था, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हम पैदल वॉक कर रहे थे, ये दिन के टाइम ऐसा दिखता है। तो स्टेशन भी, ट्रेन भी छोटी है तो स्टेशन भी, कल इसी से हमें न्यू जलपाईगुड़ी से जाना होगा ना, यही ट्रेन है ना, तो NJP से कल, मतलब यहाँ दार्जिलिंग से NJP कल इसी ट्रेन से हम चलेंगे। तो अभी चलते हैं, छोटा नीचे से बड़ा है, छोटा नीचे से बड़ा है, चलते हैं इस। तो फ्रेंड्स इधर हम आ गए, टाउन से थोड़ा सा ऊपर ही है और यहाँ पे तीन व्यू पॉइंट है और पैदल चल के जाना है, मज़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है, मेरा तो ठीक है, ठीक है ना, पैदल चलना है अभी, बढ़िया चलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स हम इधर यहाँ के लोकल शॉप पे, अब यहाँ से बनवाऊँगा मैं अपने लिए तो मोमोज, और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे हम जू की तरफ। फ्रेंड्स इधर हम आ गए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ से लेना पड़ेगा हमें टिकट, रुको टिकट तो ले ले। तो फ्रेंड्स ये 110 पर पर्सन, 220 रुपए की टिकट हमें मिल गई है, और ये है रास्ता आगे जू जाने का, फॉलो द रोड, देखते हैं भैया कौन सा जू है आगे, शॉप भी दिखाई नहीं दे रही कुछ, तो चलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स ये है जू, जू के जानवर डियर दिखाई दे रहा है, बढ़िया आगे वाले में देखते हैं क्या है, दूसरे वैरायटी के, ये दूसरे वैरायटी के दिख रहा है, गुड बकवास, क्या है ये पता नहीं, जो भी है बहुत बकवास है। ये है बढ़िया। तो हम बढ़ रहे हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, जो कि ये पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना सिखाएंगे मे बी, आई गेस सो, इंस्टीट्यूट है बढ़िया है, ट्री टू रोप कोर्स, ओके यहाँ पे हाइकिंग वगैरह भी है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है रोप को, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये इस पार से उस पार तक बांधा हुआ इन्होंने, काफ़ी सही, ये एक तरह से इंस्टीट्यूट है माउंटेनियर लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये हम चल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम इधर अंदर म्यूज़ियम से आ रहे हैं, म्यूज़ियम में कैमरा तो अलाउड था नहीं, तो ये है HMI, ये है यहाँ पे मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, यहाँ पे मतलब कोई भी एवरेस्ट पे मतलब माउंटेंस पे चढ़ने के लिए यहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, इंस्टीट्यूट है ये, माउंटेन इंस्टीट्यूट।
चलते हैं, देखते हैं नीचे कुछ नाश्ता वगैरह अगर मिलता है तो मिलता है। तो गाइस ये मेरी तो आ गई है वेज चाउमीन, और इधर चल रहा है मैंगो शेक व्रत में। बकवास, मैं तो खाऊंगा दबा के, मैं तो आया ही हूँ यहाँ पे खाने के लिए, मैं तो खाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये मुझे लग रहा है दार्जिलिंग का कोई स्टार आया हुआ है, पता नहीं कौन आया हुआ है। फ्रेंड्स दिखाता हूँ आपको ब्लैक लेपर्ड। तो फ्रेंड्स अगर हम आ गए बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पे, और फोटो शूट चल रहा है बढ़िया, देखते हैं अंदर है क्या। एंट्री फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, तो कैमरा रखना पड़ेगा। चलते हैं गाइस, टहल रहा है तो भाई ये है थोड़ा सा बड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है, तो पास से दिखाता हूँ मैं। देखी चलो उन्हीं के लिए चलो। फ्रेंड्स दिखा देंगे आपको भेड़िया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लंगूर हैं। बोलो तुम्हारी भाषा समझते हैं ये, बोलो तो बोलो तुम्हारी भाषा समझते हैं ये, हेलो बोल दो हेलो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अंदर भालू, और ये बाहर उनसे बड़े वाले भालू सारे के सारे। वाह, है ये दो, इसमें एक ही दिख रहा है, दोनों ब्लैक ब्लैक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीन व्यू यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं नीचे, राकेश भाई को फ़ोन करते हैं। तो यहाँ तो हो गया है, और बहुत नीचे उतर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी हाइट पे आ गए थे हम म्यूज़ियम में, ये आप देखो कितना सही व्यू है, एक लगातार हम नीचे ही उतर रहे हैं। उस टाइम में तेंजिंग शेरपा ने यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग करके दिखाया था, तो इसलिए इसका नाम है तेंजिंग क्लाइंबिंग रॉक बोलते हैं इसको, तेंजिंग क्लाइंबिंग रॉक, जो भी हम वहाँ से देख के आए हैं HMI से। जी हाँ, HMI का जितना भी कोर्स होता है रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए इधर ही आना पड़ता है। अच्छा। हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट का रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग सेंटर है ये। ट्रेनिंग सेंटर है ये। ओके राकेश भाई बढ़िया। इधर भी है गंबूरा, भी उतर के फोटो ले सकते हो। गंबूरा गुम्बुरा। तो फ्रेंड्स हम फिर से आ गए अपने चौथे पॉइंट पे, टी गार्डन है ये भी, और यहाँ भी थोड़ा सा नीचे उतर के लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। टी गार्डन में हमारा क्या काम है, क्या चीज? अरे तो फिर टैक्सी वाले ने पूरा लिया है ना, तो फिर घूमना तो पड़ेगा ही ना। नहीं तो ठीक है यार, फिर और करते भी क्या दिन भर आज। तो फ्रेंड्स इधर हम आ गए हैं आज जापानीज टेंपल में, जो कि यहाँ से मुझे लग रहा है अंदर से होते हुए फिर वहाँ तक जाएगा पीछे काफ़ी ऊपर, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स इधर आ गया मैं बुद्धा के पास, और ये परिक्रमा के लिए
इस साइड से चलना है। वो नीचे खड़ी है वहाँ पे काजल, और मैं वहाँ नीचे से आया हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर जापानीज पूजा चल रही है, और अंदर भी कैमरा ले जाना मना था, तो मैं तो अंदर प्रेयर करके आया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन बाहर काजल खड़ी थी बेचारी, बोर हो रही थी, नहीं तो मैं 1 घंटे और प्रेयर करता। वो चलते हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स ये आ गई हमारी कार, और चलो कहाँ झगड़ा हो रहा है राकेश भाई? हाँ उधर नीचे। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है शाम का 6, और पहुँच गए हम इधर होटल में फिर से, और थोड़ी देर में चलना है अभी हमें वहाँ पे मॉल रोड पे, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह होगी, फिर कल की ट्रेन है, तो टॉय ट्रेन से कल चलना है हमें वहाँ तक, अपने स्टेशन तक, NJLP तक। तो चलते हैं पहले, अभी तो आगे का सीन अभी और है, क्योंकि देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज उसका व्रत, तो लिया है उसके लिए फ्रूट्स वगैरह, चलते हैं इसको पहले खाते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 9:40, 9:45 के आसपास, तो इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो आ गए हम जहाँ से भी हो के आना था हमको। आज का दिन भी काफ़ी सही रहा, काफ़ी बढ़िया, मतलब 8 से 10 व्यू पॉइंट कवर करा हमने, और सही है, वर्थ है दार्जिलिंग में आना। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं गाइज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं गाइज कल एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे, बाय।